मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले मुझे एक मेल मिला था और उस मेल में उन्होंने ये जिज्ञासा व्यक्त की थी। हालांकि जिज्ञासा जब आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा मजा आएगा और हो सकता है कि आप भी चिंतित हो जाएं। और जिज्ञासा यह थी कि सर, भगवान बड़ा करुणावान है, दयावान है, हम सबका पिता है, कुछ इस तरह के शब्द थे। मैं अपनी तरफ से भाव आपको बता रहा हूं। फिर उसने इस तरह की जो दुनिया बनाई है, जिसमें दुख है, दर्द, तकलीफ, परेशानियां, झगड़े, झंझट, इस तरह की इस दुनिया में भरे हुए हैं, तो उसने ये दुनिया इस तरह की क्यों रची, जबकि वो करुणावान है, दयावान है, तो उसने क्यों यह दुनिया बनाई। इस पर उन्होंने कुछ जानना चाहा था। मुझे लगा कि अवसर आज अच्छा है और इस पर भी कुछ बात हमें करनी चाहिए। वो इसलिए फ्रेंड्स कि हम लोगों का ये स्वभाव है, और सच पूछे कि तो केवल हमारा ही स्वभाव नहीं है बल्कि ज्यादातर देशों के नागरिकों का यही स्वभाव है कि जब भी कुछ बुरा होता है तो हम भगवान को दोषी ठहरा देते हैं, या यूं कह लीजिए भाग्य को दोषी ठहरा देते हैं, या जो भी इस तरह की सुप्रीम पावर होती है जिस पर हमारी आस्था विश्वास है, हम उन्हें दोषी ठहरा देते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि हम इसको थोड़े से अच्छे तरीके से समझ लें तो शायद वो जो दोष ठहराने की हमारी जो एक आदत सी पड़ गई है, और ये परंपरा से आ रही है, हमारे संस्कारों में ही शामिल है और सबके संस्कारों में शामिल है सच पूछिए तो उसमें शायद थोड़ी सी कमी आए या बदलाव आ जाए। और ये थोड़ी सी कमी और बदलाव ही जिंदगी की बहुत बड़ी कमी और बदलाव बन सकती है। फ्रेंड्स, चलिए अभी हम 2024 में हैं, राइट? मैं 1960 के आसपास की आपको बात बताता हूं। 1960 के आसपास के समय को हम लोग बड़ा अच्छा समय मानते हैं, मतलब तुलनात्मक रूप से अच्छा समय मानते हैं। उस समय की दो फिल्मी गीतों की आपके मैं के मुखड़े सुना रहा हूं, बता रहा हूं, और आपको ये गीत शायद मालूम भी हो, बहुत लोकप्रिय गीत है। पहला था, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। देखिए वो क्या कह रहे हैं, 1950-60 के आसपास का ये गीत होगा। दुनिया बनाने वाले भगवान से कह रहे हैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे ये दुनिया बनाई। देखिए वो भी यही प्रश्न कर रहे हैं कि तुमने ये दुनिया क्यों रची, क्योंकि इस दुनिया में वही दर्द तकलीफ के सिवाय कुछ है ही नहीं, नहीं बनाता इस दुनिया को तो ज्यादा अच्छा था। इसी के पैरेलल देखिए एक और गीत है इसी के आसपास का, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान। ये तो बहुत ही लोकप्रिय गीत है, आपने जरूर कभी न कभी सुना होगा। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान। यहां भी देखिए वो कह रहा है कि तेरे संसार, यानी कि ये जो संसार है ये तेरा है, और देख लो कि इसकी हालत क्या हो गई है। यहां भी आप देखिए कि जो इशारा है, जो संकेत है, जो उंगली उठाई जा रही है, वो भगवान की तरफ उठाई जा रही है कि तू इतना सर्वशक्तिमान है, इसको तो ठीक कर सकता है, इसे तू ठीक कर। यहां मैं आपके सामने मित्रों दो बातें रखना चाहूंगा। पहली बात कि जब हम भगवान कहते हैं और जब हम संसार कहते हैं तो हमें समझना चाहिए कि यह क्या है। भगवान ने इनफैक्ट संसार बनाया है, बिल्कुल सही बात है। संसार जब हम कहते हैं तो उसका मतलब होता है प्रकृति, आकाश, चांद, सितारे, धरती, समुद्र, नदी, नाले, पर्वत, पहाड़, इस पर विचरण करने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, ये सब प्रकृति ने बनाए हैं या प्रकृति के हिस्से हैं, तो कह लीजिए आप भगवान ने बनाए हैं, भगवान ने बना दिया। और उसी तरह से उसने हमें भी बना दिया, मनुष्य को भी उसने बना दिया, राइट? ये एक चीज है, तो इससे संसार बन गया, इससे जगत बन गया, ठीक है। अब इसका जो दूसरा पक्ष है इसे हम थोड़ा सा मिस कर जाते हैं, और उसे ही ध्यान में लाना मेरा मकसद भी है, और वो ये है समाज। समाज और संसार में फर्क है। संसार तो नैसर्गिक है, निसर्ग है, प्रकृति है, पानी है संसार का हिस्सा, हवा है संसार का हिस्सा है, प्रकाश है संसार का हिस्सा है, लेकिन दूसरा है समाज। और जब हम समाज की बात करते हैं तो देखिए वो बहुत ही व्यापक अर्थ में, समाज केवल कुछ लोगों का जमावड़ा ही नहीं है, कुछ लोगों का समूह ही नहीं है, वो केवल एक गैदरिंग नहीं है, वो भीड़ नहीं है। अगर वहां कोई सिस्टम नहीं है तो फिर तो भीड़ हो जाएगी। समाज का मतलब है कि एक समूह,
जिसके जिसका अपना एक कॉमन पर्पज है, एक सामूहिक उद्देश्य है, और उस सामूहिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए सब मिलजुल कर काम करते हैं। और चूंकि वह समूह है, वहां लोग हैं, तो वो लोग ठीक तरीके से काम करें इसके लिए फिर वो कुछ परंपराएं, रीति रिवाज, आस्था विश्वास, इन सब की रचना करते हैं। उसे हम कहते हैं समाज, राइट। तो अब जो मेरा अर्ज है, अनुरोध है आप लोगों से, वो ये है कि अब हम थोड़ा सा संसार और समाज के इस अंतर को थोड़ा समझने की कोशिश करें और दोनों को अलग अलग करके देखें कि हमारे जो दुख, दर्द, परेशानियां, तकलीफ, झंझट, युद्ध, कलह, ये जितनी भी चीजें हैं, ये संसार में है या समाज में है, इसे हमें समझना होगा। संसार में भी है लेकिन संसार में अलग तरीके के हैं। तूफान आ जाए तो आप उसे कह सकते हैं ये विनाश करने के लिए आ गया, बाढ़ आ जाए विनाश करने के लिए आ गया, लेकिन विनाश तो वो विकास के लिए है, उसका हिस्सा है। हर चीज जो बनी है वो नष्ट होगी ही होगी, तो नष्ट करने के लिए प्रकृति ने अपने तरीके अपना रखे हैं। व्यक्ति को नष्ट करने के लिए मृत्यु आती है, प्रकृति को नष्ट करने के लिए उसने अपने लिए भी इंतजाम कर रखा है ताकि नई रचना हो सके। तो वहां वो विनाश और विकास के सिद्धांत को लेकर के चलती है। अब ये जो दूसरा पक्ष है, जो हमारी तकलीफों का कारण है, इनफैक्ट मित्रों वह समाज है। समाज ने कुछ इस तरीके की चीजें बना रखी है कि हम उसमें अपने को फिट नहीं पाते तो हमें तकलीफ होती है, या फिर उसे बदलने की कोशिश की जाती है। समाज, इसीलिए समाज भी लगातार बदलता रहता है। आज से 2000 साल पहले का समाज आज का ही समाज नहीं है, वो कुछ था। समाज भी अपने आप को लगातार रीस्ट्रक्चर्ड करता रहता है, नए नए तरीके से अपने को रिशेप करता रहता है, नया रूप देता रहता है। तो याद रखिए कि हमारी जो तकलीफों का कारण है वो समाज है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे बहुत से सुख का भी जो कारण है वो समाज है। ऐसा नहीं है कि समाज है तो वो तकलीफ है, तकलीफ के लिए समाज नहीं बनाया गया। वो सुख के भी हमारे बहुत आधार हैं, हमें सुरक्षा देता है, हमें भावनात्मक आधार देता है, हमें सहायता प्रदान करता है, हमारा पोषण करता है, हमारा विकास करता है, ये सारा समाज करता है। समाज से अलग होकर के भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा यहां इस बात को समझना होगा कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। तो ये जो इंसान बदला है ये समाज ने बदला है, समाज के अनुसार बदला है, समाज की जरूरतों ने उसे बदला है, अपने आप में नहीं बदला। अदरवाइज तो इंसान इंसान ही है। चलिए मित्रों, ये तो मैं आपको 1950-60 के आसपास की बात बता रहा हूं। मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत रेफरेंस बताता हूं, बहुत ही खूबसूरत रेफरेंस है। इस रेफरेंस को जानने के बाद शायद आप का दिमाग और व्यापक हो, इन चीजों को आप और थोड़ा आगे से या पीछे जाकर के देख सके। इस्तांबुल में एक शिला लेख मिला, इस्तांबुल के एक संग्रहालय में दोस्तों एक शिला लेख है, शिला लेख। और उस शिला लेख में क्या खुदा हुआ है आप देखिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो शिला लेख है ये 3800 BC का है, मतलब 3800 ईस्वी पूर्व। तो 3800 ईस्वी में, चलिए अभी तो सन हम 2100 में है, उसमें 2200 जोड़ दीजिए मोटे तौर पर, तो समझ लीजिए कि लगभग 6000 साल पहले का जो वाक्य उसमें खुदा हुआ है, ध्यान से सुनिए दोस्तों, वो वाक्य है अब कितना खराब समय आ गया है, अब कितना खराब समय आ गया है। 6000 साल पहले भी व्यक्ति अपने समय को खराब कह रहा है, और थोड़ा मोड़ा खराब नहीं कह रहा है, कितना खराब समय आ गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो समाज है, समाज एक जीवंत स्थिति में रहता है, समाज कोई डेड ऑर्गन्स नहीं है, है ना, ये जीवंत है। जैसे हमारे शरीर धड़कता रहता है, ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, उसी तरह से समाज में भी सारी चीजें होती रहती है। तो बट नेचुरल है कि जो चीज जीवंत होगी उसमें कुछ अच्छी चीजें होंगी, कुछ बुरी चीजें भी होंगी, और दोनों से व्यक्ति प्रभावित होगा। अच्छी चीजें हमें सुख पहुंचाएंगी, बुरी चीजें हमें दुख पहुंचाएंगी, और फिर हम बुरी चीजों से निवृत्त होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए कोशिश करते हैं, और इसी कोशिश को हम परेशानी, द्वंद्व, तकलीफ, संकट का नाम दे देते हैं। मित्रों, मुझे लगता है कि शायद मेरी इतनी बात करने के बाद थोड़ा सा आपका दिमाग इस तथ्य को लेकर के स्पष्ट हुआ होगा, और अब आप
अपनी चीजों को या समाज की चीजों को या दूसरों की चीजों को थोड़ा अलग नजरिए से देखने की क्षमता हासिल डेफिनेटली कर चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसी के साथ ही मैं आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।